महसाना के वालीनाथ महादेव मंदिर में पीएम मोदी ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने 13,000 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये संयोग बनने की ही बात है कि ठीक एक महीने पहले मैं अयोध्या के मंदिर में था। ये मंदिर गुरुगादी रवारी समुदाय की आस्था का केंद्र है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ आने पर मुझे दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। ये ऊर्जा उस यात्रा से भी जुड़ती है जो बलदेवगिरी बापू ने शुरू की थी। बलदेवगिरी बापू से मेरा घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की इस गारंटी का मकसद देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। देश में एक तरफ मंदिर बन रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीब परिवारों को अपने घर भी मिल रहे हैं। आज से ठीक एक महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था। वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला। और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्कि धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला। और आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के रबारी समाज के लिए पूज्य गुरुगादी है। देश भर से रबारी समाज के अन्य भक्तगण आज मैं यहां देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देवकाल हो या फिर देशकाल, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं।
आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, इसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम जी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।